हम लोग काफी खुश हैं दोस्तों आप लोग के प्यार से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं अपना आलू बारी तरफ। देखिए हाँ, इधर आलू टहलने के लिए थोड़ा। हाँ टहलने के लिए। और दोस्तों आलू के साथ साथ हम लोग यहाँ टमाटर का पौधा लगाए हैं, लगाए नहीं गाछी किए हैं, और उस तरफ प्याज का है। हाँ और आज मौसम दोस्तों देखिए काफी एकदम खराब है। वैसे तो हम लोग तरफ कम खराब है, लेकिन चेन्नई आंध्रा जैसे उड़ीसा ये सब में काफ़ी ख़राब होगा दोस्तों। क्या कि जो साइक्लोन उठा था वो उधर ही ज़्यादा प्रभावशाली था, इस तरफ तो सिर्फ उसका हवा थोड़ा थोड़ा लगा है। वैसे मिचोंग साइक्लोन दोस्तों चेन्नई तरफ बहुत ही तबाही मचाया, और इधर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इधर कुछ तबाही ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का बहुत। हाँ हल्का बहुत बारिश हुआ बस, तो सुबह से मौसम ख़राब है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपना इस तरफ बारी की तरफ। तो दोस्तों आप लोग के प्यार के कारण हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, और हाँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए हैं, तो आप लोग का ही कमेंट को लेकर हम लोग आए हैं इस तरफ। तो चलिए एक एक करके कमेंट को पढ़ते हैं, और आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद जो इतना चाहते हैं और प्यार करते हैं। तो हाँ, इसी तरह आशीर्वाद और प्यार देते रहिएगा। तो चलिए एक एक करके कमेंट को हम पढ़ते हैं दोस्तों। हम अपना मोबाइल को एक स्टैंड में रख दिए हैं, और अभी सभी को बैठ गए हैं दोस्तों, और हाँ। एक दूसरा मोबाइल लाए हैं, ये किसी और का है, मांग के लाए हैं। तो चलिए हम इसी से आप लोग का कमेंट को हम निकालते हैं। वैसे हम लोग काफी खुश हैं दोस्तों आप लोग की प्यार से, दुआ से, और हाँ। क्या बोलते हैं आप लोग की चाहत से। तो चलिए आप लोग की कमेंट को हम निकालते हैं। देखिए ये दूसरे का मोबाइल है, उसी से अभी पढ़ रहे हैं, ताकि अभी लिखना थोड़ा मुश्किल है, और लिख के पेपर में लाते हैं तो बारिश थोड़ा थोड़ा हो रही है, तो फिर दिक्कत था। वैसे तो अभी बारिश हो नहीं रही है, लेकिन होती तो फिर पढ़ना मुश्किल था। तो चलिए दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं। ये है मंजू भानुशाली जी की तरफ से। तो पहले तो उसको तहे दिल से नमस्कार, और ऐसे कमेंट करने के लिए भी पैर छू के नमस्कार। तो दोस्तों वो बोली है कि आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग आपके वीडियो की राह देखते हैं, खुशी की नटखट, दादी का बोलना सब बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ हम वीडियो बनाना बंद मत कीजिए, दुनिया किसी की खुशी नहीं देख सकती, दुनिया तो बोलेगी, उसकी बातों को ध्यान मत दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छे लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, आप हिम्मत मत हारिए, मम्मी पापा को भी समझाइए प्यार से। अरे खुशी तो बहुत ही अच्छा कमेंट की है। तो ऐसे कमेंट करने के लिए धन्यवाद दीदी, चाची जो भी हैं, आंटी जो भी हैं, तो तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा। और अगला है मंगला निकिल जा, ये मुंबई से है, ये भी हमारी आंटी लगती है, बहुत ही प्यारा कमेंट की है। तो चलिए दोस्तों कमेंट को पहले हम पढ़ते हैं। तो आंटी जी ने लिखी है, आप अपना यूट्यूब छोड़ना नहीं, आपके वीडियो हमें बहुत अच्छा लगता है, फैन है, बहुत बुरा लग रहा है वीडियो करना, आपके वीडियो एक नंबर होता है, मुंबई बांद्रा मंगला निकाजे। तो आंटी जी आपका भी कमेंट काफ़ी अच्छा है, इसलिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरह प्यार बनाइए रखिएगा। और अगला है प्रियंका बारी जी का, उसने लिखा है, मत छोड़िए ब्लॉग, प्लीज़ यूट्यूब वीडियो बनाइए, लोगों को क्या कहना है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, गाँव के लोग बदमाश है, आग लगा था दूसरा का घर में, आप अपने पापा को समझाइए, कोशिश कीजिए, प्लीज ब्लॉग बनाइए। तो आपको भी तहे दिल से दीदी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद ऐसे कमेंट करने के लिए, और ऐसे सपोर्ट और ऐसे प्यार बताने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और भी आगे बनाइए रखिएगा। और अगला है माधुरी सैलूट जी का, तो ये हमारी आंटी लगती है, तो इसको भी पहले तहे दिल से धन्यवाद और पैचू के नमस्कार। तो आंटी जी ने कमेंट किया है कि विनोद बेटा तुम यूट्यूब मत छोड़ो, सब्र रखो, इस फील्ड में बहुत पैसा देता है, इतनी जल्दी मत छोड़ो, थोड़े दिन देख कर कोई कदम उठाना, खुश रहो। तो थैंक यू आंटी जी। और अगला है प्रतिमा इका जी का, ये भी हमारे दीदी आंटी जो भी हैं, उसको भी तहे दिल से नमस्कार और पैर छू के प्रणाम। तो ये भी कमेंट किए हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा, आंटी जी हैं, तो इसने भी कमेंट की है कि गॉड ब्लेस यू बेटा, आप लोग काम करते रहिए, वीडियो भी बनाया करिए, यही आप सबकी पहचान है, ताने की चिंता मत कीजिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं
तो ये सब होता है, चिंता मत करो, अपना घर का काम और वीडियो दोनों को अच्छे से करो। प्रभु आप सभी का दया करे, गॉड ब्लेस यू और योर फैमिली मेंबर। तो थैंक यू आंटी, बहुत ही अच्छा कमेंट था, इसलिए ऐसे ही प्यार बरसाइए रखिएगा और हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। अगला है अलका पाटिल जी का, उसने कमेंट किए हैं कि आप लोग खेत का काम करें और टाइम मिले तो वीडियो भी बनाएं, मैं रोज़ खुशी को देखने के लिए वीडियो देखती हूं, आप लोग वीडियो ज़रूर बनाएं। तो आपको भी तहे दिल से धन्यवाद दीदी कि हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आप लोग की ऐसी सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग वीडियो हमेशा बनाएंगे। तो आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। और अगला कमेंट है कविता तारंग जी का, इसने भी लिखा है हमारे सपोर्ट आपका साथ, प्लीज़ आप यूट्यूब मत छोड़िए। तो उसको भी तहे दिल से धन्यवाद। और अगला है अनीता भूपेंद्र की तरफ से, इसने भी कमेंट किए हैं कि नाइस ब्लॉग भाई, आप वीडियो बनाना मत छोड़ो। तो आपको भी तहे दिल से धन्यवाद भाई या बहन जो भी हैं। अगला है शेखर सिंह, ये हमारे टाटा नगर के अंकल जी हैं जो हमारे चाचा लगते हैं, ये बहुत दिन से जुड़े भी हैं और हमेशा से ही बातें भी करते हैं और टाटा नगर गए थे उस टाइम भी बात हुआ था। तो इसने भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट किए हैं, इसने भी किए हैं अरे विनोद भाई ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ी, ये माँ बाप का भी बात मानिए, काम भी करिए और ब्लॉग भी बनाइए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका मेहनत रंग लाएगा, मुझे आप लोग पर विश्वास है और भगवान पर भी, भगवान एक दिन सब ठीक कर देगा भाई, भरोसा रखिए, आपने मेहनत पर और भगवान दोनों पर ब्लॉग बनाना ना छोड़ें। तो आपको भी भैया तहे दिल से धन्यवाद, अंकल भैया जो भी हैं। अगला है सौरभ यादव जी का, ये भी हमारे भैया है, इसने कमेंट किए हैं भैया आप वीडियो बनाइए, हमारे फैमिली को आपके वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है और हम आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो थैंक यू भैया जो हमारे वीडियो देखते हैं और ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रखिए ताकि हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए भैया आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। और अगला है कोरूर मंडल जी का, और ये हमारे दीदी चाची जो भी हैं, मतलब हाँ जो भी लगते हैं, इसने लिखे हैं विनोद भाई वीडियो बनाना मत छोड़िए, सुबह से मैं आपका वीडियो का इंतज़ार करता है, आपका वीडियो का माध्यम से मैं भी आपका घर का सदस्य बन चुकी हूँ, हम लोग खुशी और मोनिका को बहुत मिस करेंगे, मैं आप लोग का दीदी हूँ, बंद मत करो। तो दीदी जी बंद वीडियो नहीं करेंगे, बस आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए, बस ऐसे ही प्यार करते रहिएगा हमेशा, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला है राहुल ज्योति ब्लॉग जी का, तो ये भी हमारे बरही कोडरमा की तरफ का एक भैया है, इसने बहुत प्यारा कमेंट किया है, कमेंट में है दोस्तों कि मेरा भी यही प्रॉब्लम है भैया, पर मेरी बात मानिए, कृपया करके यूट्यूब ना छोड़ें, वक्त पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू राहुल भैया जी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तहे दिल से धन्यवाद। और अगला कमेंट है राजनी वंदना शाह, ये हमारे प्यारी आंटी है, ये हमारे मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली है। तो आंटी जी ने बहुत ही प्यारा कमेंट की है दोस्तों, तो लिखी है विनोद ये लोगों का स्वभाव ही किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लोग तो सफाई हो जाएंगे अगर तुम्हारे वीडियो बनाना छोड़ दोगे, इतना ज़्यादा मम्मी पापा लोगों को सुनेंगे तो वो तो जीने ही नहीं देंगे, यूट्यूब की वजह से तुम लोगों को इतने चाहने वाले मिले हैं, समझाओ मम्मी पापा को, संजीव को दिखाओ कि वो कहाँ पहुँच गया है यूट्यूब की वजह से, बिल्कुल हिम्मत मत हारो, वीडियो बनाते रहो, लोग बना रहे हैं, कमा रहे हैं। तो आपको भी थैंक यू आंटी जी, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद और आपको पैर छू के नमस्कार। तो चलिए दोस्तों इसी तरह करके बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो आप सभी को हम लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। तो चलिए दोस्तों अब ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और हम लोग
आप लोगों की मोटिवेशन देख के अब हम लोग हमेशा मतलब पर डे वीडियो बनाते रहेंगे और जो कुछ करेंगे वही सब बनाते रहेंगे और दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और आप लोग का जो भी एक दो कमेंट हम ला सकें बस ला सकें, और आप लोग बहुत ऐसे कमेंट आया है जो नहीं ला सकें उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगला ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।